बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है पेल्विक गर्डर एंड लोअर लैग। इसकी बोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि लोअर लैग के अंदर बिल्कुल उतनी बोन्स होती हैं जिस तरह अपर लैग्स के अंदर होती हैं। सबसे पहले बोन जो लॉन्गेस्ट बोन है और लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी है, इसे फीमर कहते हैं। अब इसको देखें, ये फीमर जो होती है ये पेल्विक गर्डर की एक कैविटी होती है, इसे एसिटिबुलम कहते हैं। इस एसिटिबुलम के अंदर ये इंसर्ट हुई होती है और ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी है, तो इसको हम फीमर कहते हैं। फीमर के आगे जो आपका नी गैप होता है या नी जॉइंट्स होता है, वहां पे एक बोन होती है, इसे पैटेला कहते हैं। इसको नी गैप भी कहते हैं और नी जॉइंट्स भी कहते हैं, इसको पैटेला कहते हैं। पैटेला यहाँ पे जो जॉइंट जो टेंडन होता है वो लॉन्गेस्ट टेंडन होता है, क्योंकि वो पैटेला के ऊपर टर्न करके जाता है। अब आगे देखें, ये आगे दो बोन्स में फर्दर यहां से निकलती है। एक बोन्स को हम टीबिया कहते हैं और दूसरी को फैबुला कहते हैं। टीबिया अंडर इनर साइड पे होती है, टीबिया इनर साइड पे होती है और फैबुला जो होती है ये बैक साइड पे होती है। टीबिया लॉन्गर इनर बोन होती है, फिबुला थिनर होती है, ये थिन होती है। टीबिया को हम शिन बोन भी कहते हैं, इसको हम लार्जेस्ट इनर बोन भी कहते हैं और इसको हम थिन बोन भी कहते हैं, लेकिन फिबुला को आउटर थिन बोन कह सकते हैं। तो ये टोटल अगर हम देखें, एक लेफ्ट इसके लिम्ब के अंदर, एक राइट लिम्ब के अंदर, तो टोटल हमारे पास 4+4 जो होती है, ये टोटल हमारे पास 8 बोन बन जाती है। अगर इसके बाद हम चले, इसके बाद हमारा जो अंकल ऑफ फुट जो होता है उसमें आपको पता है कि जो फुट का अंकल है उसमें 7 बोन होते हैं। पहली सीरीज के अंदर 4 बोन होती है, दूसरी सीरीज के अंदर 3 बोन होती है, ये टोटल 7 बोन होती है, 7 नंबर होती है। और ये आगे तो फर्दर 5 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, इनको मेटाटार्सल कहते हैं। और आगे ये जो 7 बोन्स है इनको टॉर्सल कहते हैं, और ये जो 5 होती है ये पॉम ऑफ द हेड बनाती है, और ये जो टॉर्सल है ये टो बनाती है। ये पॉम ऑफ द हेड होता है और ये टो होता है। आगे जो फ्रेंचीज होती है वो आपको पता है कि 4 जो होती है, एक बिग टो होता है जिसकी 2 बोन्स होती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और बाकी जो स्मॉल फ्रेंचीज है इनकी 3 बोन्स होती है प्रॉक्सिमल मिडल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडल और डिस्टल, इस तरह प्रॉक्सिमल मिडल और डिस्टल। So this is all about the uncle of the foot. This is all about the pelvic girdle and uncle of the foot. And we have completed our today lecture. Inshallah, we will come to the next lectures on Monday.